काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की मुश्किल खत्म होत नहीं नजर आ रही है। बताई गई कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले जहां अक्षय बम के द्वारा कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अपन नामांकन वापस ले लेंगा है, तो दूसरे कई बताई दी कि इंदौर के बाद अब अलीराजपुर में कांग्रेस का बड़ा झटका लगा, जहां दुष्कर्म पीड़िता के पहचान उजागर करे पर जीतू पटवारी और भूरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बैतवंद क्षेत्र के पहल मघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभा जन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के जो चुनाव है नजदीक है, लेकिन कांग्रेस की मुसीबत जो खत्म हुए के नाम नहीं लेला गया। अलीराजपुर जिला के जोबट के खट्टाली क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम से हैवानियत के मामले का मां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किल बढ़ रही है। ऐसे के बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खट्टाली पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे। यही मामले में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के पहचान उजागर करे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 11-12 साल की बता दी कि आदिवासी बच्ची के साथ दो लड़कियों के द्वारा दुष्कर्म किया। यह घटना जोबट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में है। जोबट के उप विभागीय पुलिस अधिकारी नीरज नामदेव के मुताबिक लड़की दो दोस्तन के साथ एक शादी से घर लौटत रही है। यही दौरान 14 से 18 साल की उम्र के दो लड़कन के द्वारा खेत में लड़की के साथ हैवानियत की गए, जिसके बाद मौका से दोस्त फरार हुए। पूरे मामले का लेके दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के पहचान उजागर करे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया पर FIR दर्ज की गई है। जीतू पटवारी के द्वारा हालांकि कहा गया है कि अलीराजपुर में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और इस परिवार के खातिर न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके द्वारा आगे कहा गया कि भाजपा से जुड़े बाहुबली राजनीतिक परिवार के सदस्य के द्वारा अस्मत लूटी गई और यहां से बेटी का रेफर कर स्थिति इतनी भयानक रही का मुख्यमंत्री मोहन यादव की इतनी सदबुद्धि नहीं आई कि राजनीतिक प्रभाव के दुरुपयोग बोल रहा है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम।